जीरो के फ्लॉप होने का लगा था झटका और इसलिए शाहरुख खान ने उठाया ये कदम। शाहरुख खान को आनंद एल राय वाली जीरो फिल्म से काफी उम्मीदें थी। उस फिल्म के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत भी की थी लेकिन फिर भी फिल्म उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। शाहरुख खान को शायद इस बात का झटका लगा था और इसलिए उन्होंने राकेश शर्मा की बायोपिक में काम करने से मना कर दिया था। ये अनुमान जाने माने स्क्रीन राइटर अंजुम राजबली ने लगाया है। मुंबई में चल रहे फिक्की फ्रेम्स सेमिनार में जब अंजुम से पूछा गया कि क्या सारे जहां से अच्छा को छोड़ने के पीछे ये वजह रही कि फिल्म जीरो में भी स्पेस थीम थी और वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी, तो इस पर अंजुम ने कहा कि दुख तिरक पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शाहरुख खान ने सारे जहां से अच्छा सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ी कि उस फिल्म में भी स्पेस से जुड़ी हुई कहानी थी, शायद इसलिए कि वो जीरो के बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलने के कारण थोड़ा हिल गए थे। वो उस फिल्म के सफल होने का बहुत ज्यादा भरोसा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा ना लिखा गया हो तो वो लोगों के दिल तक नहीं पहुंचता, फिर चाहे डायरेक्शन और एक्टिंग कितनी ही सुपर्ब हो। जीरो के फ्लॉप होने के कई कारण हो सकते हैं। शायद उस समय दर्शक किसी ऐसे व्यक्ति को देखना नहीं चाहते हों जैसे किंग खान जीरो में बने थे। उन्होंने कहा कि जीरो के राइटर हिमांशु शर्मा बहुत ही टैलेंटेड हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें गलत हो जाती हैं। लेकिन जैसे कि बातें चल रही हैं, शाहरुख खान का राकेश शर्मा की इस बायोपिक को ना कहने के पीछे सिर्फ स्पेस पर आधारित फिल्म होना है तो ये सही नहीं होगा। बता दें कि महेश मथाई के निर्देशन में बनने वाली फिल्म सारे जहां से अच्छा का स्क्रीन प्ले अंजुम ने ही लिखा है और कहा जा रहा है कि विकी कौशल इस फिल्म में लीड रोल करेंगे। अगर ऐसा ही है तो रोल चाहे कोई भी करे, मूवी का स्क्रीन प्ले शानदार होना बहुत ही जरूरी हो गया है।